बोलो जल्दी, आवाज क्लियर है? चलो देखो, गैस गैस आयन आपसेल में क्या होता है अच्छे से देख लो, ठीक है? तो देखो, हमें गैस लेना पड़ेगा और इस गैस के साथ उसका गैस का आयन लिख देता हूं मैं, गैस का आयन हम लेंगे। अब ये वाला जो आयन होगा ना बच्चों, ये आयन कैटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लूँ तो हाइड्रोजन गैस का आयन क्या बनेगा, जनरली आपने आज तक पढ़ा होगा, एच प्लस बनेगा। एच माइनस मत बना देना, ठीक है ना? मैं से वैसे बताते रहूंगा। हाइड्रोजन गैस का आयन कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ एच प्लस रहेगा, ठीक है ना? या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मान लो मेरा ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन छोड़ो, क्लोरीन गैस है। देखो अब क्लोरीन गैस है तो ये वाला गैस है तो इसका आयन कौन सा रहेगा भाई, सोच के बताओ। तो इसका सीएल माइनस उसके साथ रहेगा, तो ये एनाइन भी हो सकता है और कैटाइन भी हो सकता है। समझ में आया सबको? बताओ रे जल्दी बताओ, क्लियरली बताओ। मतलब अगर हाइड्रोजन यूज करूं मैं तो देखो, गैस गैस आयन कैसा होता है, देखो मान लो मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस अगर हो ना बच्चों, एक मिनट हाँ, देखो अगर हाइड्रोजन गैस हो ना बच्चों, तो इसका आयन कौन सा होगा हमारा, एच प्लस, ठीक है ना? तो ये कैटाइन है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका गैस होगा। और एच प्लस बोले तो सर एसिड होगा, बोले तो सर एक्वियस यानी लिक्विड होगा, ठीक है ना? या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सर अगर क्लोरीन गैस है ना Cl2, तो क्लोरीन का आयन कौन सा होगा, सीएल माइनस, तो हमारा गैस हो सकता है और गैस का आयन लेना है, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे गैस गैस आयन आपसेल को। अभी आपको बेसिक बातें तो समझ में आई। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत अच्छे से सुनो। मैं फोटो पहले हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की बात करूंगा मैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, मैं इसको स्टैंडर्ड लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब इसको स्टैंडर्ड क्यों बोला, सारी चीजें क्लियर, इसको SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE भी बोलते हैं, ठीक है ना? अब इसका क्या रीजन है, तो इसका क्या रीजन है देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल इसमें बता दू आपको क्या करना पड़ता है, पता है? मैं एक सिंपल इसमें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने मान लो SHE लगा दिया, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दे इस तरफ, एक तरफ इसको पढ़ाऊंगा मैं अभी, रुक जाओ थोड़ा सा। इधर वोल्ट मीटर है और इधर लगा दिया मैंने कैलोमेल इलेक्ट्रोड, या फिर इधर लगा दिया मैंने मेटल मेटल आयन हाफ सेल, मेटल मेटल आयन हाफ सेल लगा दिया, ठीक है ना? ये भी हाफ सेल है आपका और ये भी हाफ सेल है, मैंने दोनों को जोड़ दिया। याद रखना इसका जो इनोट होता है ना, ऑलवेज रिमेम्बर, इसका इनोट होता है जीरो, इसका इनोट सेल कितना होता है, जीरो होता है। बोलो भाई ये बातें सबको क्लियर हो गई, ये हम मान के चलते इसका इनोट जीरो, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रोड, प्राइमरी इलेक्ट्रोड। और अगर प्राइमरी इलेक्ट्रोड का हमें इनोट जीरो है, तो जो भी वैल्यू आएंगे बच्चों, जो भी इसमें वैल्यू आएंगे, वो किसका इनोट होगा, इस वाले का, मतलब डिफरेंस, यार जो भी डिफरेंस आएगा आप खुद से सोचो। देखो आपको क्या करना होता है, देखो सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनो, हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। मान लो हमारे पास कोई हाफ सेल है, देखो अच्छे से, मान लो हमारे पास हाफ सेल है जिसका इनोट हमें पता नहीं है, इसका इनोट सेल हमें पता है क्या, बोलो बच्चों? नहीं पता, लेकिन हमें SHE का पता है, SHE का कितना होता है बोलो, SHE का इनोट होता है जीरो, बच्चों क्लियर है? इसका इनोट सेल जीरो होता है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया वोल्ट मीटर से साथ, और वोल्ट मीटर के साथ जोड़ने के बाद बच्चों ये हमारा प्राइमरी होता है, प्राइमरी बोले तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी हमें पता होती है वैल्यू। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो याद रखना जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, बताओ जल्दी, वो इस वाले का आंसर होगा। तो इनोट सेल हम इस वाला का सीधे निकाल सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं जोड़ दूं वोल्ट मीटर के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करने का, जो क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियोमीटर के साथ, तो याद रखना गैलोनीमीटर ना, गैलोनीमीटर, क्या गैलोनी होता ना, पोटेंशियल डिफरेंस किसमें कैलकुलेट करते हैं बताओ जल्दी, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बताओ तो मैसेज करके एक बार बोलो जल्दी, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो आप, गैलोनोमीटर यूज करते हैं ना, ठीक है? चलो यहाँ पे मैंने गैलोनीमीटर लगा दिया, ठीक है? तो इसका तो जीरो है, तो जो भी आपका आंसर आएगा, मान लो 5 वोल्ट आया, तो ये किसका होगा रे, इसका होगा ना, समझ में आया आपको? क्योंकि इसका तो जीरो है, तो याद रखना, तो ये हो गया आपका प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बोले तो इसका अगर हमें पता है, हम इसी इसको किसी के भी साथ जोड़ दे, हम जिसके साथ जोड़ेंगे उसका इनोट निकल जाएगा, बोले तो इसका जीरो है लेकिन इसका कुछ ना कुछ होगा, इसका कुछ ना कुछ होगा। समझ में आया सबको, मैसेज करके बताओ, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब समझ में आया, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब समझ में आया, बोले तो सर उसको हम जिसके साथ भी जोड़ेंगे उसका इनोट सेल हमें पता चल जाएगा।
क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है विच इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। अभी कभी कभी क्या हो जाता है पता है क्या, मैं बता रहा हूँ कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ खतरनाक चीज बता रहा हूँ, सुनो। हमारे पास एस एच ही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इसका इनोड हमें पता है जीरो है, इसका इनोड जीरो है, लेकिन हमने इसकी हेल्प से किसी और का इनोड निकाला। फॉर एग्जाम्पल हमने निकाला कैलोमेल इलेक्ट्रोड का, कैलोमेल इलेक्ट्रोड का इनोड निकाला, इसकी वैल्यू अभी मैं बता दूंगा आने के बाद, लेकिन इसका इनोड कुछ तो भी आएगा मान लो यहाँ पे मैं, चलो इसकी वैल्यू अभी बता रहा नहीं मुझे पता है लेकिन भूल गया मैं फिलहाल, इसको मैं बता दूंगा कैलोमेल, इसको पढ़ लेंगे हम, ठीक है। देखो ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो ठीक है ना, ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और ये कौन सा होगा फिर, अब इसकी वैल्यू भी हमें पता है, मान लो इसकी वैल्यू आई 3, मान लो इसकी वैल्यू 3 वोल्ट आ गई, मान के चलो ऐसा नहीं है लेकिन 3 वोल्ट आ गए, तो मुझे बताओ। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना सर, अगर हमें इसकी वैल्यू 0 पता थी, हमने इसकी निकाली, तो मैं क्या, अगर हमारे पास गलती से एस एच ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको इससे भी दूसरे का निकाल सकता हूँ, आपको समझ में आया सबको, इसको दूसरे के साथ जोड़ सकता हूँ और दूसरे का ई नॉट निकाल सकता हूँ। बच्चों क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। मान लो मेरे पास एच एच ही था तो उससे मैं कैलोमेल का निकालता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से समझो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट मुझे 0 पता है, उससे मैंने कैलोमेल का निकाला और गलती से मेरा ये वाला खराब हो गया, मान लो ये वाला मेरा इलेक्ट्रोड खराब हो गया या फिर ये खत्म हो गया मेरे पास से, तो मेरे पास जो बचा इसके हेल्प से भी मैं तीसरे का निकाल सकता हूँ ना। अरे इसको जोड़ के, क्योंकि हमें एक की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू जो भी आएंगी घटा के, इसको घटा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है, डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। बोले तो सर अगर एस एच ही नहीं है हमारे पास तो कैलोमेल को हम यूज करेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के, समझ में आया, कैलोमेल इज अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी आपका एस एच ही था, अगर प्राइमरी नहीं होता तो हम क्या यूज करेंगे, कैलोमेल इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बोले तो सर एक से हम दूसरे का निकालेंगे और दूसरे से निकालेंगे तीसरे का, बोलो जल्दी, दिस इज योर प्राइमरी रेफरेंस और ये आपका सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बोलो जल्दी, क्लियर है सबको, प्राइमरी रेफरेंस और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जैक्ट मीनिंग सबको क्लियर है बच्चों को, ये समझ में आता सर रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, एक क्वेश्चन आएगा आपको कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है, तो उसका एग्जांपल मैंने बता रखा है कौन सा, कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको प्राइमरी की तरह भी यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छे से इट इज अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बोलो अभी तक जो भी पढ़ा है यहाँ तक की बातें क्लियर है, हम बढ़ते हैं हमारे गैस गैस आयन हाफ सेल की तरफ, विच इज फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज एस एच ई। बोलो शुरू करें पढ़ना, एस एच ई को पढ़ना शुरू करें, बोलो जल्दी, आइए इसका मैं ले लेता हूं, मान लो मेरे पास गैस है एच टू और इसका गैस आयन मैंने लिया एच प्लस, ठीक है ना, गैस गैस आयन है, ठीक है ना। अब मैं इनको कैसे, पहले हम फोटो पढ़ेंगे एस एच ई की, फोटो पढ़ेंगे, चलो फोटो पढ़े एस एच ई की, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फोटो। देखो एक सॉल्यूशन होता है आपका H+ जिसमें होता है H+। बोले तो सर मैं फिलहाल HCl का सॉल्यूशन ले लेता हूँ, ठीक है ना, जिसके अंदर H+ का सोर्स है। अब मैं क्या करूंगा, एक ट्यूब लूंगा इस तरह से, ये ट्यूब देखो किस तरह से मैंने ली, अच्छे से देखो, और इस ट्यूब के अंदर मैं हाइड्रोजन गैस को पास करूंगा, और याद रखना इनके बीच में गैस और एच प्लस के बीच में, देखो देखो यार, गैस और गैस आयन के बीच में कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट बनाने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पे, आपको पता है अभी मैंने बताया प्लैटिनियम की वायर में इनसाइड डिप कर दूंगा, ये प्लैटिनियम की वायर का क्या फायदा होगा आपको समझ में आया, अभी ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा प्लैटिनियम की वायर। तो अभी तक मैंने आपसे एक ही बात कही कि प्लैटिनियम वायर भी हम यूज करेंगे, ये किसका काम करेंगे, इट इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड। एसईसी में इलेक्ट्रोड का काम कौन करेगा, प्लैटिनियम वायर, गैस थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेंगी, उसके बाद गैस और गैस आयन। बोलो इतनी चीजें क्लियर है सबको, देखो ये आपका गैस होता है, ये आपका लिक्विड होता है और प्लैटिनियम आपका सॉलिड होता है। बोलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करो फोटो ऑफ एस एच ई क्लियर है सबको, एस एच ई कैसे दिखता है सबको समझ में आया, हम गैस पास करेंगे एसिड के सॉल्यूशन में और गैस और एसिड को कॉन्टेक्ट में लाने का काम कौन करेगा, प्लैटिनियम वायर, सबको समझ में आया, प्लैटिनियम के सरफेस पे रिएक्शन होगी सारी, प्लैटिनियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता बिकॉज इट इज अ वेरी नॉन रिएक्टिव, ठीक है ना बच्चों, और प्लैटिनियम के सरफेस पे
हाइड्रोजन और एसिड की जो भी रिएक्शन होगी मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब देखना, मान लो इसको मैंने एनोड की तरह बिहेव किया, बहुत अच्छे से देखना। मान लो एनोड है, एनोड एक कंपार्टमेंट, और हमारे पास कौन कौन है बताओ जल्दी। सर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, सर हमारे पास HCl है, और प्लैटिनियम का तो आप छोड़ ही दो, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, H प्लस है और भाई Cl माइनस है। अब बताओ इसमें से ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो याद रखना, अब आप खुद से बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा। मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख सकता हूँ, देखो हाफ एच टू, एक ही हाइड्रोजन दिखाना है ना। ऑक्सीडेशन बोले तो सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छे से देखना, ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक एच प्लस बनेगा हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। दिस इज योअर एनोडिक रिएक्शन, दिस इज योअर एनोडिक रिएक्शन। देखो यार एक ही चीज हम बार बार पढ़ा रहा हूं मैं, इधर एच टू को आधा लेने का रीजन समझ में आया, एक एच प्लस चाहिए हमें। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो सबको, एनोडिक रिएक्शन समझ में आई, ये वाले रिएक्शन सबको क्लियर है, सबके मैसेज आने चाहिए मुझे, ये वाले रिएक्शन सबको क्लियर है, एनोडिक रिएक्शन सबको क्लियर है। आपके हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन, ये मेरी ऑक्सीडेशन, ये मेरी एनोडिक रिएक्शन है, बताओ जल्दी क्लियर है, एनोडिक रिएक्शन क्लियर है सबको। अब कैथोडिक बता दो यार सीधे, अभी खुद से बता दो कैथोड में क्या होगा, इसके उल्टा लिख दो सर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैथोडिक रिएक्शन, ठीक है ना। एनोडिक रिएक्शन ये होगी, और कैथोड पे क्या होगा बोलो, कैथोड पे होगा सर रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा, तो इसकी उल्टी रिएक्शन, सर H प्लस एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 में। भाई क्लियर है सबको, दिस इज रिडक्शन कैथोडिक रिएक्शन, दिस इज एनोडिक रिएक्शन ऑफ गैस गैस आयन हाफ सेल। अब मैसेज करके बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूं मैं, आप दो के लिए भी लिख सकते हो, यहां तक किसी को कोई, मुझे बताओ यार, आप वापस से मत बता देना सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं, अभी बताओ मैं वापस से ले लूंगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, झूठ मत बोलो, सबको क्लियर है। एनोडिक रिएक्शन आपने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किया, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोडिक रिएक्शन एच प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दैट इज रिडक्शन। तो ये थी हमारे एनोडिक और कैथोडिक की रिएक्शन। अब देखो मैं क्या करता हूं, बहुत अच्छे से देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो, खतरनाक चीज बढ़ा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से देखो। देखो बच्चों हमें पता है क्या करना पड़ता है, कौन सा ये पता है, ये वाली जो हमें SHE पढ़ रहे हैं ना, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है 1 मोलर। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना पड़ता है, 1 मोलर। दूसरी बात देखना अच्छे से, टेम्परेचर आपका लेना पड़ता है 298 केल्विन, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होता है ना बच्चों, याद रखना, मैं प्रेशर नहीं लिख रहा अभी जानबूझ के, लेकिन प्रेशर होता है ना कुछ आपने ऊपर से ऐड किया ना, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 एटमॉस्फियर। तो जब जब मैं गैस लिखूंगा ना, तो आप में दिमाग में आया होगा कि सर गैस की कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिखी, तो याद रखना गैस का हम प्रेशर लिखेंगे जो कि 1 एटमॉस्फियर आएगा, इसलिए उसको लिखो न लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कंडीशन अगर हो ना, तो उसी को जब वो इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे ना, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, इसीलिए उसको नाम दिया गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बोले तो 1 मोलार, टेम्परेचर और प्रेशर। चल चलो ये तो बेसिक बातें थी, इसको हम छोड़ देते एक साइड से, हम हमारे काम की चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी अब मैंने आपसे बताया एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, तो आपने बोला सर हाफ एच टू गिव्स एच प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये थी एनोड की रिएक्शन, ठीक है ना। सो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई सर, एच प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ एच टू, सर ये वाली रिएक्शन थी कैथोड की, ये वाली कैथोड की रिएक्शन थी सर, और ये वाली सर रिएक्शन थी एनोड की। अब मुझे बताओ यार अच्छे से सोच समझ के बताओ, कैथोडिक रिएक्शन समझ में आई, एनोडिक समझ में आई। अब मैं इस पे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं, तो आप बोलोगे सर देखो ई ऑफ कहां से कहां तक, तो आप बोलोगे सर देखना सेल रिप्रेजेंटेशन अभी बाकी है, ठीक है ना। तो पहले मैं ये बता देता हूं, तो कहां से कहां तक बोलो, यहां से लिख देता हूं हाफ एच टू से एच प्लस तक, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट ऑफ कहां से कहां तक, हाफ एच टू से एच प्लस तक, लेकिन आपको पता है ई नॉट सेल क्या होता है, बोलो ई नॉट सेल तो आपका होता है 0, ये तो होगा क्लियर। अभी माइनस 0.0591 डिवाइड इलेक्ट्रॉन कितने 1, लॉग ऑफ, अब देखना अच्छे से ऊपर कौन है रे लॉग ऑफ, बोलो जल्दी, रिएक्टेंट अपन प्रोडक्ट, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए, तो बोलो ऊपर की तरफ कौन आता है बच्चों, सॉरी ऊपर प्रोडक्ट आता है, बोले तो सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रिएक्टेंट में कितना आएगा आंसर 1 आएगा।
बोलो भाई सबको यहां तक की बातें क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर है सबको? हाफ एच टू से एच प्लस की तरफ की ये वाली चीज सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इस हाफ सेल पे मैंने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की, सबको ये वाली चीज समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। अरे रिएक्टेंट में कौन है हमारा? प्रेशर, ये गैस है ना हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होता है? 1 एटमोस्फियर होता है, इसीलिए 1 लिखा मैंने। समझ में आया अभी? क्योंकि वहां पे कोई आयन, मैंने पहले बोला आयन नहीं है तो क्यों कंसिडर करते उसको? ये आयन नहीं तो इसको छोड़ ही दो आप, मैं बता रहा हूँ। अगर प्रेशर मेंशन भी ना हो तो वो 1 होगी, ठीक है ना? प्रेशर आपका 1 एटमोस्फियर होगा तो उसको छोड़ दो। तो गैस है तो उसको हम अभी ये गैस है तो यहाँ पे आयन नहीं है तो इसको भी क्या कंसिडर करो? 1, ठीक है? अब क्लियर है सबको? अब मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों। अब बोलो यार, और किसी को कोई दिक्कत, और किसी को कोई डाउट? देखो आगे देखो, यहाँ पे लिख सकता हूँ -0.0591 log of H plus। और अगर आप होशियार बच्चे हो तो आपने कभी तभी कभी तभी पढ़ा होगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस क्या होता है आपका? दिस इज इक्वल टू पी एच। याद आया कुछ? अगर याद नहीं आया तो इसको याद रख लो, ठीक है? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो याद रख लो, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आपका होता है पी एच। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा माइनस, देखो देखो अच्छे से देखना एकदम, देखो मैं किसको राउंड कर देता हूँ, राउंड देखो, राउंड मेरा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस को मैं लिख सकता हूँ पी एच। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.0591 इंटू पी एच। तो ई नॉट, जो ई सेल आ जाएगा ना हाफ सेल का, जो ई सेल आ जाएगा ना मेरा हाफ सेल का, कौन सा वाला? ई, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन का मेरा आ जाएगा 0.059 इंटू पी एच। सबको समझ में आया? एक साइड वाली, इधर वाली रिएक्शन, सबको इधर वाली रिएक्शन समझ में आई? और ई नॉट ऑफ रिडक्शन आपको पता है, सीधे लिख दो अभी सर। ई नॉट, ई रिडक्शन आपका आ जाएगा सर, देखो देखो साइन अपोजिट होता है सिर्फ, 0.0591 पी एच, बस मैंने साइन का चेंज किया, बाकी एज इट इज। इधर प्लस साइन है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन के लिए अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। तो अभी मैं सीधे लिख दे, देखो मैं कौन कौन सी बातें लिखता हूँ, अभी अच्छे से देखना। एस एच ए के बारे में सबसे पहली बात, इसका फोटो सबको याद है। दूसरी बात, एनोड पे की रिएक्शन कौन सी होगी? बोलो एनोड और कैथोड की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं, एनोड और कैथोड की रिएक्शन। तो आपको पता है सर हाफ एच टू किस में जाएगा? एच प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। और दूसरी बात, कैथोड में होगा सर एच प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ एच टू, मैंने बोला बहुत अच्छे। आप बोलोगे सर इसके लिए अगर आपने ई सेल निकाला ना, तो सीधे फॉर्मूला देखो, ई सेल फॉर ऑक्सीडेशन, ई सेल फॉर ऑक्सीडेशन क्या आएगा बोलो जल्दी? प्लस 0.0591 पी एच। और इसके लिए क्या आएगा बताओ जल्दी? रिडक्शन के लिए क्या आएगा? माइनस 0.0591 पी एच। बोलो जल्दी सबको, यहां तक की बातें क्लियर है? बोलो जल्दी, एस एच ए क्लियर है सबको? ई नॉट सेल क्या होता है? एस एच ई के लिए ई नॉट सेल होता है आपका 0। बच्चों यार अच्छे से बताओ अभी, क्या यहां तक की बातें सबको अच्छे से समझ में आई? मैसेज करो यहां तक की बातें सबको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी। एस एच ए के बारे में इतनी बातें समझ में आई सबको? अब सेल रिप्रेजेंटेशन एक बार पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है ना? सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन तो यार कुछ नहीं, बहुत आसान है। आपको पता है प्लाटिनियम स्टार्टिंग को लेने का, और अगर कैथोड रहा तो एंड को ले लेने का, ठीक है? जो कि एक सॉलिड है, उसके बाद गैस और गैस आयन, देखो एस प्लस सी एल माइनस, गैस आपका गैस है और ये आपका लिक्विड है, तो ये हो गया। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उल्टा शुरू करो, उल्टा ऊपर से देखो। ये था एनोड के बारे में, ये था देखो, अगर इलेक्ट्रोड पहले आया बच्चों तो हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? एनोड की बात करेंगे। अब देखो उल्टा लिखो, इलेक्ट्रोड, उसके बाद ये सॉलिड है, गैस एच टू, और गैस आयन बताओ ई एच सी एल, ये हो गया आपका एक्वियस या फिर लिक्विड, और ये होगा आपका क्या भाई? क्लियर है सबको? एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक दूसरे के उल्टा, जल्दी बताओ। गैस, गैस आयन हाफ सेल के बारे में यहां तक की बातें सबको क्लियर है? सेल रिप्रेजेंटेशन, फोटो, एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन, इतनी ही चीजें आपको अच्छे से लर्न करनी होती है, फोटो, एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन। बोलो भाई क्लियर है? मैसेज करो कि सर यहां तक की बातें हमें क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है? अगर नहीं होगा तो आप बता दो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बताओ जल्दी। अभी अभी अच्छे से कान खोल के एक बात सुन लो, अच्छे, बहुत अच्छे से सुनो।
आपको घर पे जाके जितने